पुलिस उपायुक्त जोन क्रमांक नवनियुक्त डीसीपी नूरुल हसन ने गुरुवार को वाड़ी थाने में भेंटे का जायजा लिया। वाड़ी क्षेत्र के शांतता कमेटी सदस्य, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ता, नगर सेवक, महिला, राजकीय पार्टी के लोगों को आमंत्रित किया गया था। पीआई के कैबिन में एक एक कर सभी की बैठक ली गई। ट्रांसपोर्टरों की बैठक के दौरान पीआई को नहीं बैठने दिया। डीसीपी ने क्षेत्र में क्या क्या चल रहा है इसके बारे में लोगों से जानकारी ली। वाड़ी क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधे को बंद किया जाएगा, भूमाफियों पर भी कार्रवाई होगी, गुंडागर्दी को खत्म किया जाएगा, सट्टा मटका, बार, अवैध शराब बिक्री, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर जनता की सुरक्षा करने का आश्वासन डीसीपी नूरुल हसन ने नागरिकों को दिया। डीसीपी ने अपना मोबाइल क्रमांक 8938040493 नागरिकों को अपनी समस्या रखने के लिए दिया। बसपा के प्रणय मेश्राम ने डीसीपी को जानकारी देते हुए बताया कि झुक्की झोपड़ी एरिया में आज भी क्रिमिनल एक्टिविटी बढ़ी है, असामाजिक तत्व सक्रिय है। अंबेडकर नगर में अवैध धंधे सरेआम आज भी चल रहे हैं। इस पर अंकुश नहीं लगाया तो बड़ी घटना होने की जानकारी भी मेश्राम ने दी। वाड़ी में अवैध धंधे कम हुए हैं। पीआई पाठक के 2 साल में अवैध धंधे काबू पाने की जानकारी भरीब के नितेश जंगले ने दी। अंबेडकर नगर के शराब के धंधे बंद करने की मांग भी की गई। रात में जब महिला टहलने को निकलती है तो असामाजिक तत्व नुक्कड़ पर बैठे रहते हैं और तब महिला असुरक्षित महसूस करती है। इस वक्त डीसीपी ने कहा कि यहाँ न्याय देने के लिए आया हूँ। मेरा पहला काम निर्दोष को न्याय देना व दोषी को सजा देना है। क्षेत्र में अवैध धंधे नहीं चलने दूंगा। बीड़, नांदेड़ में कार्य किया है, उसी पैटर्न से यहाँ भी अवैध धंधे व भू माफिया पर भी कड़ी कार्रवाई करूंगा। जनता का सहयोग भी जरूरी है, उनके सहयोग के सिवाय कुछ नहीं कर सकता हूँ। यह बात हसन ने हमारे संवाददाता से बातचीत में दी। स्पेशल कॉर्ड का भी चयन करेंगे और ऑपरेशन क्लीन की शुरुआत कर वाड़ी के क्राइम बंद करना है। इस कार्रवाई में कोई मिला तो पीआई को जिम्मेदार पकड़ा जाएगा। जिनके घरों में कब्जा किया है ऐसे लोग शिकायत करने सामने आए, ऐसी अपील डीसीपी नूरुल हसन ने की। फोन कर जानकारी दे, नाम गुप्त रखा जाएगा। क्षेत्र में चल रहे अवैध धंधे की जानकारी सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं को कॉल कर खुद डीसीपी हसन लेंगे। पुलिस स्टेशन में क्या चल रहा है यह जानकारी इसकी खबर रखेंगे। अमरावती रोड पर बने ढाबे पर पुलिस की गाड़ी खड़ी कर शराब बेचे जाने की शिकायत पूर्व नगर सेवक केशव बांद्रे ने की। पीसी से लेकर सीपी तक सभी को जानकारी रहती है पर कार्रवाई नहीं होती। सालों से अवैध धंधे बंद नहीं हुए हैं। यहाँ के अधिकारी की साठगांठ है। अब नए डीसीपी हसन से बांद्रे ने उम्मीद जताई। वाड़ी में गांजा और दारू बड़ी मात्रा में बेचा जाता है, यह जानकारी नागरिकों ने दी। शहर में भारी मात्रा पर पार्किंग की समस्या है, इसे हल करने की भी मांग उठी। ट्रांसपोर्ट यूनियन के महेंद्र शर्मा ने पीआई पाठक के कार्यकाल में क्या क्या चला पूरा ब्यूरा डीसीपी के पास कथन किया। अब आगे ऐसा नहीं चलने का आश्वासन हसन ने दिया। सूत्र से प्राप्त जानकारी के अनुसार पीआई राजेंद्र पाठक के कार्यकाल में क्षेत्र में अवैध धंधे जोरों शोरों से चले। शिकायत करने वाले नागरिक भी खुश नहीं हुए। अब पाठक का जल्द ही तबादला होने की जानकारी है। साथ ही नागरिकों ने बताया कि पाठक की बदली वाड़ी में होते ही उनके राइटर की भी बदली यहाँ हुई थी। उनका पूरा व्यवहार उनके राइटर संभालते हैं, उनका भी तबादला होना चाहिए, ऐसा नागरिकों ने व्यक्त किया। जोन 1 का चार्ज पिछले हफ्ते लिया है। जो इस एरिया में मेरा काम करने का, कार्य करने का जो तरीका है वो मैंने आप सबको अभी बताया है कि हम सीपी साहब के जो आदेश हैं, किसी भी तरीके का जो अवैध धंधा है, दारू है, सट्टा है, मटका है या कोई और ड्रग्स है, इस टाइप की चीज़ें जो हो रही हैं इस एरिया में, उस एरिया को दूर करने के लिए पूरी तरीके से प्रयत्न करेंगे, इसमें रेड करेंगे। और इसके लिए हमें आम नागरिकों की जरूरत है, आम लोगों की हेल्प की जरूरत है। वाड़ी से सौरभ पाटिल की रिपोर्ट, INBCN न्यूज़, नागपुर।